देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है स्ट्रक्चर 4a-3b=1, और ये दी गई है एक और बात कि ab=1/2। बोलो क्लियर है। और हमें क्यूब तक जाना है, तो कैसे क्यूब तक जाएंगे, और क्यूब तक कौन सी वैल्यू लानी है, 64a³ + 27b³। तो क्यों ना मैं इसका होल क्यूब कर दूं। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये -27 आएगा यहाँ पे a³ + b³ में। बट हमें जो वैल्यू चाहिए है वो लानी है 64a³ + 27b³। तो थोड़ी सी यहाँ पे हम दूसरे टाइप की मेहनत करते हैं। हम 4a+3b का होल स्क्वायर डिमांड करते हैं, ठीक है ना। 4a+3b का होल स्क्वायर, उससे हम ये बना ले जाएंगे। तो देखो बेटा क्या होता है फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बोलिए होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, जोर से बोले बच्चों। होता है, क्योंकि ये +2ab हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सो सिमिलरली 4a+3b का होल स्क्वायर यदि मैं डिमांड करूं, तो 4a-3b का होल स्क्वायर प्लस 4, a के प्लेस पे बैठा है 4a और b के प्लेस पे बैठा है 3b। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। सो 4a+3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a-3b का होल स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा। प्लस 4 × 4 3 = 12, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ब्रैकेट में बच गया ए बी। ए बी की वैल्यू देखो 1/2 दी गई है, तो 4a+3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 4 × 12 कितना हो गया, 48 × 1/2, मतलब ये 24 आ जाएगा। तो 4a+3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 + 1 = 25। तो 4a+3b = √25, जो बचेगा ±5। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये हमारे पास आ चुका है 4a+3b = +5। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। तो अगर ए भी 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, और बी भी अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब 4a+3b कभी नेगेटिव नहीं आ सकते, मतलब 4a+3b ऑलवेज कितने आएंगे, +5। क्लियर, ओके। अब होल क्यूब कर लीजिए इसका, 4a+3b का होल क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का होल क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा बेटा, तो फार्मूला लगा दीजिए क्या, x+y के होल क्यूब का क्या होता है, x³ + y³ + 3xy इनसाइड द ब्रैकेट x+y। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a³ + 3b³ + 3 × 4a × 3b ब्रैकेट में 4a+3b = 125। 5 का क्यूब 125 होता है। क्लियर। नाउ 4a³ = हो जाएगा 64a³ + 9b³, ये जो हमें चाहिए है, प्लस 3 4 = 12 3 = 36, 6ab, सॉरी 27 हो जाएगा, यस बेटा 27b³ + 36ab, 3 2 4 = 12 3 = 36ab इनसाइड द ब्रैकेट 4a+3b = 125। क्लियर। (64a³ + 27b³ + 36ab) की वैल्यू 1/2, और 4a+3b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5 निकाली है, इक्वल्स टू 125। 2 से कट जाएगा
थर्टी सिक्स 18 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 18 फाइव जा 90 इक्वल्स टू 125। 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब इक्वल्स टू 125 माइनस 90। अब 125 में से 90 माइनस कर दो तो ये 5, 12 में से 9 गए 3 और ये 0, मतलब कितना हो गया 35। नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा? ओके बेटा, देखिए बच्चों ये आपके सामने अगला सवाल है जिसमें लिखा है इफ़ एक्स की पावर 4 माइनस 79 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स प्लस 1 एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको ये दिया गया है, इसको पहले एनालाइज कर लीजिए ये आखिर है क्या। सो दिस इज़ एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 1 मोर ओवर जिसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, मतलब ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स है। तो हमें x प्लस 1 बाई एक्स ढूंढ करके लेके आना है, कहाँ से? इसकी मदद से, जो इक्वेशन दिया है x की पावर 4 माइनस 79 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ अप्रोच करने के लिए, मैं x स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, राइट में भी लेफ्ट में भी, ठीक है बेटा। तो अब एक्स स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए बच्चों डिवाइड इसलिए किया है हमने कि यहाँ पे एक्स की पावर 4 है और पावर 4 के क्वेश्चन को हमको पावर 2 में लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं एक्स की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो नाउ इट विल बिकम एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस 79 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास में, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 79 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है इक्वल टू 0 है। क्लियर है बेटा संस्कृति? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 79 हो चुका है, थोड़ी ही दूर हैं हम, हमको x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए है, तो मैं सोचूंगा क्यों ना होल स्क्वायर बना दिया जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से होल स्क्वायर बनाना बहुत आसान है, 2 का एडिशन कर दीजिए तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और यहाँ पे 79 तो था ही, इक्विवेलेंटली आपने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, क्योंकि x इंटू 1 बाई एक्स सॉरी कितना कहलाएगा, इक्विवेलेंटली 1 कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो आपको चाहिए है x प्लस 1 बाई एक्स तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेने पर अंडर रूट 81 आ जाएगा, आंसर इक्वल टू प्लस माइनस 9, मतलब आंसर या तो प्लस 9 होगा या माइनस 9। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन केवल ए की करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज ए प्लस 9। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है जिसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0 और आपके पास ये बड़ी सी स्ट्रक्चर है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसको करने की हम कोशिश करते हैं और किस तरीके से करेंगे इसको हम, जो आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉरी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x। अब यदि आप यहाँ से x का डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स को यदि इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा 5, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5। एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5। एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी मेरे पास आ चुकी है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5। अब देखिए ज़रा ऊपर जो क्वेश्चन है आपके पास में, मेरे पास क्या निकल चुका है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5, ये कहीं काम में आएगी। अब ऊपर जो क्वेश्चन है, यदि आप इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 एक्स क्यूब, अगर आप 1 बाई 5 को किनारे कर लें और x क्यूब का डिवाइड कर दें पूरे में, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी x की पावर 3 प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। बोलिए बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी क्या? एक और बार बता दूं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ये तो क्वेश्चन ही है ना। आपने क्या किया, 5 को किनारे कर लिया और एक्स क्यूब को डिवाइड कर दिया। देखिए 1 बाई 5 आपने साइड में कर लिया एंड यू हैव मल्टीप्लाइड एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, सो इट विल बी 1 बाई 5। एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 में करेंगे तो एक्स बचेगा, ये 1 अपॉन एक्स बचेगा और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना मैंने एक्स की पावर 3, सबको अलग अलग कर दिया, क्लियर? चलिए देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 5, मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्लियर बेटा? अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा आप, यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स के होल क्यूब का, तो ये आता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इन साइड द ब्रैकेट ए प्लस बी, ए की जगह एक्स खेल रहा है, बी की जगह 1 बाई एक्स खेल रहा है, क्लियर है बेटा? ओके अगर मैं इतने पार्ट को रोक लेता हूँ जो कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू, देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ से बेटा प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस 3 इन साइड द ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, डन। तो सेम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यदि मैं इसको लिखूँ 1 बाई 5 क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है, देखिए इतना, तो इसको मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को लिखना चाहता हूँ, ये देखिए ये चीज़ है, तो क्या लिखूँगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये पूरा का पूरा लिख दिया, बोले बेटा बोलो समझ में आया, और प्लस 1 टाइम ये जो लिखा है एक्स प्लस 1 बाई एक्स,